हेलो डियर, कैसे हैं आप? पिछला जो अपना लेक्चर हुआ था इसमें हमने आवेश पर आपसे चर्चा की, और आवेश के बारे में हमने आपको बताया था कि आवेश इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से जाते हैं, और हमने ये भी चर्चा की थी कि आवेश तरह किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता, उनकी विधियां बताई गई। एक विधि बताई गई थी हमने घर्षण के द्वारा, एक विधि बताई थी हमने चालन के द्वारा या संपर्क के द्वारा, एक विधि बताई थी हमने प्रेरण के द्वारा, बिना छू बिना स्पर्श करे हम कैसे आवेश। इतनी बातें हमने आपसे चर्चा की थी, आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। आगे के विषय पर ध्यान दें, अगर कोई वस्तु विद्युतीकरण का हो गया, हम कैसे जानेंगे कि विद्युतमय हो गई? कोई वस्तु विद्युतमय है कि नहीं है, इसकी जांच करने के लिए जो चीज है वो है प्रतिकर्ष। जांच करते दो आवेशों को लेते हैं, उनके बीच प्रतिकर्षण की जांच करते हैं। अगर प्रतिकर्षण है तो वो वस्तु विद्युतमय है। ऐसा नहीं कि आकर्षण हो रहा तो विद्युतमय नहीं है, लेकिन जांच नहीं उसकी, टेस्ट नहीं उसका, क्योंकि आकर्षण तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी हो सकता है, वहां पर तो आवेश है नहीं। तो आवेश की जांच करने के लिए, यानी वस्तुएं विद्युतमय है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए जरूरी है प्रतिकर्ष। प्रतिकर्षण द्वारा जांचते हैं कि वस्तु आवेशित है या नहीं। दूसरी बात होती है आवेश की पहचान। एवं आवेश की पहचान कैसे करें कि आवेश कैसा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, उसका मापन कैसे करें, कितना ज्यादा आवेश है कितना कम आवेश है। इसके लिए कुछ उपकरण है, जैसे स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी एवं इलेक्ट्रो, इनसे हम पता लगा सकते हैं आवेश है या नहीं, और आवेश की मात्रा इसकी अपन जांच कर सकते हैं, इनको उपयोग में ला। और आप कोर्स में है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी है, जैसा नाम है स्वर्ण पत्र, स्वर्ण पत्रों का उपयोग करेंगे इसमें। एक कांच का जार लेते हैं, चालक छड़ लगाएं, इस चालक छड़ के यहां पर दो स्वर्ण पत्र, दो स्वर्ण पत्र लगे। यहां पर हम कॉर्ड लगाए, ऊपर जो है वो एक लगी होती है धातु की चक्की, ये
है धातु की चिन्ह। यह कौन दोनों तरण पत्रों पर धनावेश होगा तो धनावेश समान आवेश जो होते हैं समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दोनों पर धनावेश पहुंचा है तो इन जो पत्रों के बीच की दूरी होती है वो पत्र फैल जाते हैं, प्रतिकर्षण का दूर दूर हो जाते हैं। तो हम जान जाते हैं कि आवेश जाते हैं, और ज्यादा आवेश यहां पर दें तो पत्रों का फैलाव बढ़ जाता है। इससे पता चलता है कि आवेश की मात्रा हमने बढ़ा दी, आवेश की मात्रा बढ़ने से पत्र फैलते हैं, आवेश की मात्रा कम होने पर पत्र कम हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। मतलब डाइवर्जन कन्वर्जन का सिस्टम होता है। अगर हम टेस्ट करें कि आवेश ये कैसा है, इस टेस्ट के लिए भी जरूरी है टेस्ट पता कर चले कि आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक। मान लो आपको बताया नहीं गया तो स्वर्ण पत्र ऐसे पहले हुए दिखा दिए गए तो आपको ये पता कैसे चले कि आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो एक दूसरा आवेश हम लेके आते, मान लो धनावेश दूसरा ले आए इसके पास, तो धनावेश जैसे ही इसके पास लाएंगे ये स्वर्ण पत्र वापस फैल जाएंगे और तक, तो हम पता लग जाएगा कि स्वर्ण पत्रों पर जो आवेश है वो धनात्मक आवेश है और हम धनात्मक आवेश लाए। और अगर हम यहाँ पर ऋणात्मक आवेश लाते तो स्वर्ण पत्र का फैलाव कम हो जाता है। इससे जांच हो जाती है कि आवेश कैसा ला रहे हैं, हम धनावेश ला रहे हैं या ऋणावेश ला रहे हैं, विपरीत आवेश ला रहे हैं या समान आवेश ला रहे हैं। समान आवेश लाएंगे स्वर्ण पत्र का फैलाव बढ़ जाता है, समान आवेश लाने पर स्वर्ण पत्र का फैलाव बढ़ता है, विपरीत आवेश लाने पर स्वर्ण पत्र का फैलाव कम होता है। इससे हम जांच लेते हैं, पता कर लेते हैं आवेश कैसा है, आवेश कितना है, यह पता कर सकते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। तो जब आवेश के बारे में हमने जान लिया, आवेश की प्रकृति समझ ली हमने कि आवेश धनात्मक होता है, आवेश ऋणात्मक होता है, लेकिन फिर आवेश का मात्र जानना जरूरी है। मात्र क्या है, खूब सुना होगा, बड़ा फैमिलियर आवेश है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं अपन कि आवेश का मात्र कूलम। कूलम सर साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर आवेश को इस सम्मान के रूप में दिया गया पूरा, ऐसा ही मात्रक है। क्योंकि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ऐसा ही सिस्टम है, विद्युत धारा इसका मात्रक होता है एम्पियर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो आप जानते हो कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, तो I बराबर Q बटे T, Q
बराबर आई पी, तो क्यू वन कूलम, आई एम्पियर, टी समय सेकंड, तो एक कूलम बराबर एम्पियर सेकंड होता है, वन एम्पियर सेकंड। ऐसा ही सिस्टम, लेकिन हम ऐसा ही सिस्टम में यूज करेंगे केवल कूलम, एम्पियर सेकंड का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे बल का मात्रक हम मीटर यूज करते हैं, कार्य का मात्रक जूल यूज करते हैं, उसी प्रकार से आवेश का मात्रक हम एसआई पद्धति में कूलाम उपयोग में लाते हैं। लेकिन कूलाम जो मात्रक है काफी बड़ा मात्रक है, अगर जब कैपेसिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे बात करूंगा कैपेसिटर में कि कूलाम कितना बड़ा मात्रक है, कितना बड़ा चालक चाहिए उसके लिए इतना बड़ा मात्रक आवेश देने के लिए, तो वो संभव नहीं इतना बड़ा आवेश। तो क्या करेंगे, छोटे मात्रक कूलाम के छोटे रूप में लेते हैं। जैसे छोटे मात्रक में होता है ए माइक्रो कूलाम, ए गुणे 10^8 माइनस के 6, एक नैनो शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एनसी, ये हो जाएगा 1 × 10^-9 कूलम, और एक पिको कूलम, पीसी 1 × 10^8 − 12 कूलम। इन मात्रकों का अपन उपयोग में लेते हैं, बहुत बड़ा मात्रक। देखो दो पद्धतियां हमने आपको बताई थी, मैंने पद्धतियां और भी हैं, दो पद्धतियां मुख्यतः हम पढ़ते हैं मापन की, जब 11वीं क्लास में पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था एमपीएस पद्धति, एक पढ़ा था सीजीएस पद्धति। तो अब प्रश्न उठता है कि आवेश का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा, सीजीएस पद्धति में क्या, तो सीजीएस पद्धति में सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक लिखते हैं अपन स्टेट कूलॉम, लिखते हैं अपन ईएसयू, लिखते हैं अपन फ्रैंकलिन, आप बोल सकते हैं सीजीएस पद्धति में आवेश को मात्रक जो होता है स्टेट कूलाम, या ईएसयू बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत मात्रक। और फ्रैंकलिन सबसे छोटा मात्रक जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर मिला। अब होता क्या है, एक कूलाम में, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10^9 या यस यस एक कूलाम या फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं, या 1 ESU इज इक्वल टू होता 1/3 × 10^9 1 ESU हो जाएगा। आवेश का सबसे छोटा मात्रक ध्यान रखते हैं, अगर पूछा जाता है एक नंबर में कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, तो आप जानिए या सीजीएस पद्धति में आवेश के मात्रक को क्या कहते हैं, स्टेट कूलाम भी कहते हैं, ईएसयू भी कहते हैं, और फ्रैंकलिन कहते हैं। आप अगर फ्रैंकलिन लिखते हैं, ईएसयू लिखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक प्रैक्टिकली जो है प्रायोगिक मात्रक जो आवेश का बहुत बड़ा मात्रक, प्रायोगिक मात्रक या बहुत बड़ा मात्रक, उसको बोलते हैं फैराडे
क्या बोलते हैं, फैराडे। फैराड नहीं है, याद रखना, फैराडे। फैराड कैपेसिटी में होता है, लेकिन यहां पर फैराडे, एक फैराडे। हम आपको बता चुके हैं कि कूलाम बहुत बड़ा मात्र है, तो फैराडे कितना होता है, एक फैराडे में 96,500 कूलाम, यह होता है एक फैराडे। एक फैराडे, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। यह आवेश का मात्र होगा। हमने आवेश जान लिया, आवेशित करने की विधियां जान ली, और आवेश के मापन और आवेश की पहचान करना जान लिया, तो जरूरी है किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी के बारे में इतनी सारी जानकारी आपने इकट्ठी कर ली आवेश के बारे में, तो अब ये पता होना चाहिए कि इसके गुणधर्म क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। आवेश जरूरी, हम प्रकृति जान ली, हमने सब कुछ जान लिया, तो हम जरूरी है कि गुणधर्म भी पता होना चाहिए। गुणधर्म क्या क्या है, क्या क्या हो गया? पहला है योग्यता का, योग्यता का मतलब होता है जोड़, जोड़ना। अब जोड़ हमने दो टाइप का पढ़ा है ग्यारहवीं में, एक तो अदिश योग होता है, एक सदिश योग होता है। तो पहले यह जानिए कि आवेश सदिश है या अदिश। हम जानते हैं सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको जानकारी के लिए उनकी परिमाण और दिशा दोनों अवश्य, जिनकी हम स्टडी करते हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होनी चाहिए सदिश। अदिश में ऐसा नहीं है, केवल परिमाण में अपना काम चल जाता है। तो आवेश में दिशा का कहीं कोई रोल नहीं है, दशा का कोई लेना देना नहीं, केवल और केवल परिमाण से मतलब है। तो आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि। इसमें दिशा नहीं होती है, आवेश अदिश राशि। अदिश राशियों को जोड़ना साधारण गणित से जोड़ देते हैं, वरना वेक्टर को जोड़ना अलग प्रक्रिया है। यहां पर अधिक राशि है तो बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, सीधा मैथमेटिक्स लगाएंगे, उसको बीजगणित की योग करके जोड़ देंगे। मान लो कई आदेश है, मान लो -1 कूलाम, -2 कूलाम, -5 कूलाम, 10 कूलाम आदि, इस तरह आवेश होते हैं। सबको अगर इकट्ठा करना है, जोड़ना है, तो आप सीधे तरह से चिन्ह सहित जोड़ते जाइए, -1, -2, -5, +10 +8 कितना हुआ, 5 2 7 1 5 -13 +8 10 +8 तो सीधा सा हम जोड़ लेते हैं आदेश, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि अदिश राशियों का जो जोड़ होता है साधारण जोड़ की तरह ही उपयोग में लेते हैं, साधारण बीजगणित की योग किया जाता है। दूसरा जो है आवेश के बारे में, वो क्या है कि आवेश निश्चर होता है, ये तो फर्स्ट था, ए बी निश्चरता का गुण। निश्चरता का गुण क्या है, आवेश पहले तो द्रव्यमान पर चलते हैं थोड़ी देर, आइंस्टीन का सापेक्षतावाद सिद्धांत। आइंस्टीन कहते हैं कि कोई गतिमान द्रव्यमान है, यह है विराम द्रव्यमान बटे अंडर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। सी क्या होगा, प्रकाश का वेग। तो इस सूत्र से हम गतिक द्रव्यमान पता कर सकते हैं, विराम द्रव्यमान पता है, हमें स्पीड पता है,
तो यहां से पता चल जाता है कि स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है द्रव्यमान का मान, गतिज द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी द्रव्यमान निश्चल नहीं। आवेश में क्या होता है ये निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मानो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा हुआ है, ये निर्देश तंत्र कैसा है, इस निर्देश तंत्र में कोई आवेश क्यों रखा हुआ है, और दूसरा निर्देश तंत्र है मान लीजिए लेकिन ये निर्देश तंत्र मान लो एस डैश है, ये गति हो रहा है, चाल से चल रहा है और इस पर आवेश, तो दोनों आवेशों में कहीं कोई अंतर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आवेश स्थिर अवस्था में हो चाहे आवेश गतिमान हो, यानी क्यू स्थिर बराबर होगा क्यू गतिमान। आवेश कैसा होता है, निश्चल होता है, यानी उस पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरी बात जो है, तीसरा गुणधर्म, यह आवेश कैसा होता है, संरक्षित रहता है, कैसा रहता है, संरक्षित। संरक्षण का आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित का मतलब होता है सीधी सी सरल भाषा में जाने तो कोई नुकसान नहीं होता, इतना समझ, यानी कोई नुकसान नहीं, कोई लॉस नहीं, यह है आवेश संरक्षण का मतलब। यानी जैसे ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं कि ऊर्जा को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना हम नष्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार आवेश के बारे में है कि आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, एक्सचेंज से, स्थानांतरण से उत्पन्न होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर हम ग्लास रॉड को, कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है, रगड़ने से क्या होता है, घर्षण विद्युत के कारण घर्षण लगता है, घर्षण के कारण क्या होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन जिससे निकले दूसरी वस्तु पर पहुंच गए, तो जिस पर पहुंचे वह ऋणावेशित होगी, जिससे निकले वो धनावेशित होगी, लेकिन अगर दोनों को जोड़ दें तो कोई अंतर नहीं है, पहली स्थिति में और बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर हम लें, सोडियम और 281 और 287 कितना है टोटल आवेश, सॉरी 28 28 है, 11 और 17। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पर चला गया सोडियम पर, तो सोडियम तो आपका हो गया धनात्मक और क्लोरीन हो गया आपका ऋणात्मक, तो यहां पर क्या रहा 28, यहां पर क्या रहा 281, तो फिर कितना हुआ टोटल 18 और 10। तो आवेश में कोई नुकसान नहीं होता है, आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित यानी कहते हैं कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, कोई भी विलगित निकाय है, विलगित का मतलब इसके आसपास कोई दूसरा निकाय ना हो उसे कहते हैं विलगित, आइसोलेटेड, तो विलगित निकाय का जो आवेश होता है वो नियत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस संरक्षण पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है यूपी, उत्पादन यानी युग्म का उत्पादन होगा, जोड़ा मिला, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, यह है इलेक्ट्रॉन आपका, और इलेक्ट्रॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है नात्मक आवेश उसे बोलते हैं, इसका प्रतिकण है पॉजिट्रॉन,
उत्पादन क्या है? जब गामा फोटोन, जैसे न्यूक्लियर की बात करें, लेकिन यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं कि गामा फोटोन, यह है गामा फोटोन, गामा फोटोन पर, फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता, विद्युत चुंबकीय तरंग किसी भारी नाभिक से जब टक्कर होती है तो इसकी ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, हो गया इलेक्ट्रॉन, हो गया पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस वन, पॉजिट्रॉन पर प्लस वन, मिलकर के क्या हुआ? जीरो, यहां पर जीरो था, आवेश संरक्षित रहता है, यानी युग्म उत्पादन में भी आवेश संरक्षित रहता है। दूसरी बात आती है, इसी उदाहरण में हमारे चलते हैं, युग्म विनाश, विनाश का हम तो जानते हैं, विनाश तो विनाश ही होता है, युग्म विनाश, विनाश क्या होता है? उल्टा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में संयोग करें, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपस में संयोग करें, तो संयोग करने के बाद एक दूसरे का ये विनाश कर सकते हैं, कुल आवेश जीरो, साथ में दो गामा प्रोटॉन और ऊर्जा मिलती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां भी आवेश जीरो है, यहां भी आवेश, तो ये आवेश संरक्षण सिद्धांत का यहां पर पालन। एक एग्जांपल और लेते हैं, रेडियो एक्टिव जो रिएक्शन होती है, रेडियो एक्टिव जो क्षय होता है, विघटन होता है, उनमें भी आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। जैसे 92 यूरेनियम 238, यह है यूरेनियम, मिला हमको थोरियम 90 234 प्लस, ये क्या है? अल्फा, एक अल्फा पर डिग्री, यहां पर क्या था? क्यू प्रारंभिक में क्या था? 92, क्यू अंतिम क्या हुआ? 92, तो आवेश संरक्षित यहां भी रहा, आवेश में कोई नुकसान नहीं हुआ है, यानी आवेश कैसा रहा? संरक्षित। एक गुण और जानते हैं, कि द्रव्यमान जो आवेश को, आवेश द्रव्यमान से संबद्ध होता, जुड़ा हुआ। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य है, जैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन का रेस्ट मास जीरो, अगर उसका द्रव्यमान शून्य है किसी वस्तु, तो उस पर आवेश नहीं है। जैसे प्रोटॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उदासीन कण है, लेकिन अगर द्रव्यमान आवेश है किसी पर, इसका मतलब उस वस्तु पर द्रव्यमान कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये जरूरी नहीं कि किसी में द्रव्यमान है तो आवेश हो, लेकिन आवेश है तो जरूरी है द्रव्यमान। जैसे न्यूट्रॉन है, आवेश नहीं है लेकिन द्रव्यमान है उसका, तो यानी आवेश द्रव्यमान से संबद्ध होता है। आवेश किसी वस्तु पर है तो ये बात कंफर्म हो जाती है उसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ जरूर है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, बहुत छोटे हैं लेकिन द्रव्यमान है तो आवेश भी है, लेकिन द्रव्यमान है तो आवेश हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे न्यूट्रॉन। तीसरी बात, एक गुणधर्म और है कि अगर आवेश स्थिर,
स्थिर आवेश का मतलब क्या हुआ? आवेश अगर स्थिर है, स्थिर आवेश क्या देता है? स्थिर आवेश देता है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? आगे इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे, लेकिन अभी सिर्फ ये जाने कि विद्युत क्षेत्र देता है। अगर ये आवेश नियत वेग से गतिमान हो तो क्या देगा? विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों देगा। विद्युत क्षेत्र तो देगा ही देगा, अगर वो गतिमान है नियत वेग से, नियत चाल से, तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों देगा। लेकिन अगर ये आवेश त्वरित गति से चल रहा है, त्वरित से मतलब है वेग में परिवर्तन हो रहा है, आवेश त्वरित हो रहा हो क्या मिलेगा? तो मिलेगा आपको विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, यानी स्थिरता तो विद्युत क्षेत्र मिला, गतिमान हुआ तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी मिला, और अगर वो त्वरित हो गया है, त्वरित आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र तो मिलेगा ही मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी मिलेगा, साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन भी होगा। ये थे आवेश के गुणधर्म। एक और है कि आवेश क्वांटीकृत होता है, लेकिन फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसको अगले वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे कि क्वांटीकरण क्या है। इसको पढ़ें, वीडियो को देखें, समझें और बिल्कुल स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।